अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चित्रकूट के डीएम विशाख जी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है, जन सुनवाई का पोर्टल लगाया है, जिससे जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और उनको अपनी समस्याओं का, अपनी शिकायत की जो है, तो प्रिंट आउट भी उनको दिया जा रहा है। उनकी फाइल कहां कहां तक जाती है इसकी जानकारी उनके फोन पे ही मिल सकती है। इससे जनता काफी खुश है। ग्रामीण जनता जो है बार बार वो भटकती रहती है कि उसकी आदेश कहां है, क्या आदेश हुआ है, तो उसकी जानकारी हो जाएगी। शिकायत आसानी से उसमें दर्ज कराई जा सकती है। जो ग्रामीण लोग हैं जिनके पास मोबाइल या फौजी आदि नहीं चलाते स्मार्टफोन, वो डायरेक्ट यहाँ कंप्लेंट करके फीड कर सकते हैं, फीडबैक भी जान सकते हैं किस स्तर पे हमारी शिकायत किस स्तर पे पड़ी हुई है, किस अधिकारी के यहाँ है, कितने दिन से विलम्ब है, और उसकी ये सारी जानकारियाँ उसमें आराम से प्रविष्ट की जा सकती है बिना अधिकारी के मिले। बाहर से ही ऑनलाइन सब किया जा सकता है। बहुत सारी ग्रामीण जनता को एक माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है ये। तो ये जो जन सुनवाई पोर्टल रखा गया है, क्या लगता है इसे आपकी सुनवाई हो पाएगी? हमारे एप्लीकेशन है निकल जाते हैं, इससे कुछ फायदा नजर आ रहा है? हाँ, फायदा है। किस तरह का? मतलब हमको जो हमने यहाँ दिया, हमने हमको तुरंत अपलोड किया, हमको मिल जाता है एप्लीकेशन, उसका निस्तारण। इससे मैं सार्वजनिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अधिकारियों के पास समय का मतलब जैसे समय उनको एक घंटे या आधे घंटे जो इंतजार का समय उनका वेस्ट होता है, ये व्यवस्था कलेक्टर साहब ने जो दिया है वो हित में है, समय का उनका बचत होगा। एक टच स्क्रीन कियोस्क हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में स्थापित किया है, ताकि आप अपने एप्लीकेशन का नंबर और मोबाइल नंबर डाल दें तो आपको ये देख भी आप सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, ताकि अगर उसमें कोई अगर आपको आपत्ति हो तो प्रिंट आउट ले करके हमसे दोबारा मिल सकते हैं, दोबारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो शिकायत करता है उनको डायरेक्ट जानकारी भी मिल सकता है कि उनके जो शिकायत है उसमें क्या निस्तारण हुआ, और उसके निस्तारण आज्ञा भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें अगर दोबारा कोई और कार्रवाई के लिए वो इच्छुक उसमें दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर शिकायत के लिए अपना एक टाइमलाइन निर्धारित है और उसके अनुरूप उसका जो शिकायत है जैसे अपलोड होगा वो ऑनलाइन पोर्टल में दिखेगा। तो ये हमारा टच स्क्रीन की उसके वो चालू हो गया है, और उसमें अगर आप अपना नंबर और मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको अपनी शिकायत पे जो निस्तारण किया गया है वो आप देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि हमने अगर शिकायत किया तो उसमें क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इजी ऑप्शन है।